हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना ब्यूटी टिप्स एंड प्रोडक्ट रिव्यू। आप सभी को ईद मुबारक। दोस्तों, इस ईद में आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो आपके फेस पे ग्लो लाएगी, साथ ही साथ आपके फेस को सॉफ्ट एंड शाइनी बनाएगी। अगर आप चाहते हैं ईद में आपका फेस ग्लो करे तो आप हमारे इस वीडियो को इन तक देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में बेल आइकन होगा, उसे तो जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको हमारी लाइफ से जुड़ी अपडेट चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है नैना ब्यूटी एंड प्रोडक्ट रिव्यू, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को रेडी करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। इस रेमेडी को रेडी करने के लिए हमें चाहिए होगा बेसन, और सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है मुल्तानी मिट्टी, एंड थर्ड इंग्रेडिएंट्स है रॉ मिल्क, ये आप देख सकते हो, एंड टर्मरिक। तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को रेडी कैसे करना है। इस रेमेडी को रेडी करने के लिए हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून ऑफ बेसन। बेसन में विटामिन ए, विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड जिंक पाया जाता है, जो आपकी स्किन को नेचुरली सन प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी ऐड करेंगे, ये देखिए, एंड 1 पिंच टर्मरिक ऐड करेंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें रॉ मिल्क मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमारा फेस पैक बनके रेडी है। अब बात आती है इसको अप्लाई करने की। तो इसके लिए आपको इस रेमेडी को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, 15 से 20 मिनट तक रहने देना है। उसके बाद अपना फेस नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। इस रेमेडी को लगाने से आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, साथ ही साथ आपका फेस सॉफ्ट, शाइनी एंड स्मूथ भी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और दोस्तों, अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट मी, एंड मैं उस चीज से रिलेटेड वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी और उस वीडियो में आपका नाम अनाउंस भी कर। तो चलते चलते एक बार फिर से आप सभी को ईद मुबारक। एंजॉय योर